हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा पैशन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने मीशो से परचेस किया है। अगर आपको ना पता हो कि मीशो क्या है, सो मैं बता दूँ, मीशो इंडिया का नंबर 1 रिसेलिंग ऐप है, जहाँ से आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड वहाँ से आप रिसेलिंग करके अर्निंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे शेयर करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनके थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड वहाँ के जो सेलर होते हैं, वो काफी कम प्राइस में प्रोडक्ट को कोट किए होते हैं, जिससे वो आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगी। सो अगर आप वहाँ से रिसेलिंग करना चाहते हैं या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसे ग्रे कर दें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने 2 कुर्ती परचेस किया है एंड ये जो 2 कुर्तियां हैं, ये कुर्ती डेली वियर टाइप की है, क्योंकि मैंने इसे डेली वियर के लिए ही परचेस किया है। सो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ फर्स्ट कुर्ती के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये है वो कुर्ती, ये आप देख सकते हैं। एंड इसका जो कलर है, वो है मैरून कलर, मैरून कलर की ये कुर्ती है। कुर्ती ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऐसे नेक मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे फॉइल प्रिंट, आपको सभी जगह ऐसे फॉइल प्रिंट मिल जाती है। एंड इसका जो फैब्रिक है, वो कॉटन है फ्रेंड्स। कॉटन हमें पहनने में काफी कंफर्टेबल होती है। सो ये कॉटन है एंड ये आप देख सकते हैं, नीचे की साइड आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। एंड स्लीव्स में भी आपको ऐसे यहाँ पे 3-4 स्लीव्स मिल रही है एंड यहाँ पे भी आपको ऐसे डिजाइन मिल जाएगी, फॉइल प्रिंट मिल जाएगा, बॉर्डर बना हुआ। ये काफी सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे परचेस किया। इसका जो कपड़ा है, इसका जो फैब्रिक है, वो भी काफी अच्छा है एंड इसका जो डिजाइन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, काफी सुंदर है। एंड आपको बैक साइड में भी आपको सेम डिजाइन मिल जाती है, ये आपको ऊपर की साइड ऐसे बूटा मिल जाता है एंड नीचे की साइड आपको ऐसी पूरी बॉर्डर बनी हुई मिल जाती है। सो एंड फ्रेंड्स, इसकी जो साइज है, ये मैंने एस साइज मंगवाया था। बट ये मुझे बड़ी रिसीव हुई है, 38 की साइज रिसीव हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे 38 रिसीव हुई है। सो मैं इसे इसे ऑल्टर करवा लूंगी, मैं इसे अपने साइज का फिटिंग करवा लूंगी एंड उसके बाद में इसे पहनूंगी, क्योंकि ज्यादा का फर्क नहीं है थोड़ा। और वैसे भी समर है तो थोड़ा लूज ही, मतलब कि कंफर्टेबल होता है। सो इसलिए मैं इसे थोड़ा लूज ही रखूंगी एंड मैं इसे वेयर करूंगी, तो आप देख लीजिएगा ये कितनी लूज है मुझे। बट थोड़ी थोड़ी सी ऑर्डर करवा लूंगी तो सही हो जाएगी। एंड फ्रेंड, इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स, ये आपको 250 एंड 300 के इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। बट का एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती के बारे में, वो है ये है सेकेंड कुर्ती, ये है ब्लू कलर की कुर्ती एंड इसमें आपको व्हाइट प्रिंट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये है ब्लू कलर की कुर्ती एंड इसमें आपको ऐसे आगे की साइड ऐसे पूरी कुर्ती में ऐसे आपको ऐसे डिजाइन मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। एंड इसका जो स्लीव है, वो है 3-4 स्लीव एंड यहाँ पे आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाएगी फ्रेंड। ये मैंने कॉटन समझ के मैंने इसे परचेस किया था, बट ये कॉटन नहीं है, ये है क्रैक का कपड़ा है एंड बैक साइड में आपको ऐसे प्लेन मिल जाती है। इसका कलर मुझे काफी अच्छा, मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा था। क्या है, इसका जो कपड़ा है वो क्रैक का मटेरियल है।
सो मैं इसलिए इसे रिटर्न कर दूंगी। एंड इसका साइज जो मैंने मंगाया था वो है एस साइज, बट ये मुझे एस साइज की ही रिसीव हुई है, बट तभी भी ये मुझे थोड़ी सी बड़ी है। सो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी ये कपड़े की का कुर्ती नहीं चाहिए। सो इसलिए, बट ये कुर्ती भी काफी अच्छी है, मैंने वेयर की है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, आप इसे लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। इसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये कपड़े में परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। ये कपड़ा कोई बुरा नहीं है, मैं इस कपड़े का मैंने और कुर्तीज पहना हुआ है, बट क्या है कि अभी समर चल रहा है तो समर में मुझे डेली वेयर के लिए मैं इस कपड़े का कुर्ती नहीं पहन सकती। सो इसलिए मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। एंड फ्रेंड, अगर आपको ना पता हो तो मैं ये बता दे रही हूँ कि आप रिटर्न भी मीशो पे काफी इजी से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें लगता है कि हम ऑनलाइन तो सामान तो मंगा लेते हैं, बट वो हम इसे रिटर्न कैसे करें? अगर हमें कोई सामान नहीं पसंद आता है तो हम उसे रिटर्न कैसे कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। मुझे आपको रिफंड चाहिए तो आप रिफंड करवा सकते हैं, अगर आपको एक्सचेंज चाहिए तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप काफी इजी तरीके से ये आपको रिटर्न हो जाएगी। सो अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी मिलती है। सो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर इसका इन दोनों का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, एंड दोनों का प्राइस भी आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो मैं उस वीडियो को आपके लिए लेके आऊंगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।